गाइस, हम लोग को जब भी एक नया स्मार्टफोन खरीदना होता है ना, तो हम लोग अक्सर करके गलती कर जाते हैं। कहाँ पे गलती करते हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि स्मार्टफोन खरीदने के बाद हमें पता चलता है कि इस प्राइस में तो इससे अपग्रेडेड फोन मिल पाता है। तो आप गलती कहाँ पे करते हो, मैं आज आपको इस वीडियो में वो चीज़ बताऊंगा कि आप फोन के सारे वेरियंट नहीं देखते हैं, इसलिए आप मिस्टेक कर जाते हैं फोन लेने में। तो दोस्तों, बन रही है हमारे साथ, वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को अब तक अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज SLA टेक पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर जरूर दबाइए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। आज मैं दो ऐसे फोन लेकर के आया हूँ कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ के तो जान ही गए होंगे। ये दोनों फोन जो है Xiaomi कंपनी का है, Redmi Note 10T 5G और Redmi Note 11T 5G। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कहाँ आप मिस्टेक करेंगे फोन लेते वक्त और आपको सही फोन चुनना कैसे है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे Redmi Note 10T 5G के बारे में। दोस्तों, ये फोन लॉन्च हो चुका है इंडिया में और आप चाहें तो इसको बाय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फोन है ये। IPS डिस्प्ले के साथ आएगी, 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, 6.5 इंच की डिस्प्ले होगी और इसके प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 लगाया। अगर हम चिपसेट की बात करें इसके प्रोसेसर के बारे में, तो MediaTek Dimensity 700 5G का प्रोसेसर लगा पड़ा है, ओक्टा कोर प्रोसेसर जो 2.2 GHz का इसका प्रोसेसर है। और इस फोन का जो रैम है 4GB रैम के साथ 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा, जिसका प्राइस होगा 14,999 रुपये इंडियन प्राइस। और दूसरा इसका वेरिएंट जो है 6 GB रैम के साथ आएगा, 128GB स्टोरेज होगा, 16,999। और अगर हम बात करें इसके कैमरे के बारे में, इसका जो मेन कैमरा है वो ट्रिपल प्ले कैमरा होगा, 48 MP, 2 MP, 2 MP और सेल्फी के लिए इसमें 8 MP का कैमरा दिया जा रहा है। और बैटरी की अगर बात कर ले दोस्तों, तो बैटरी इसकी 5000 mAh की बैटरी को 18W के चार्जर के साथ बैटरी होगी, सी टाइप का चार्जर होगा। अगर बात कर लें इसके फिंगरप्रिंट के बारे में दोस्तों, तो ये साइड में आपको माउंट मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट सेंसर स्क्रीन पे नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं Redmi Note 11T 5G के बारे में। Redmi Note 11 सीरीज के जितने भी चाइना में लॉन्च हुए थे, 1 घंटे में 500,000 फोन वहां पे बिके थे दोस्तों, मैं आपको ये जानकारी बता देता हूँ। अगर बात कर लेते दोस्तों इसके डिस्प्ले के बारे में, तो इसके भी डिस्प्ले जो होगी वो IPS डिस्प्ले होगी, 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले होगी, 6.67 इंच की इसकी डिस्प्ले होगी और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 इस पे भी लगा है। अगर बात करें इसके प्रोसेसर के बारे में, तो इसका प्रोसेसर दोस्तों अलग है, 810 5G का होगा और वहीं पे 2.4 GHz का इसका ओक्टा कोर प्रोसेसर होगा। अगर बात करें इसके रैम के बारे में, तो इसका जो रैम दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से, 4GB रैम के साथ 64GB जिसकी प्राइस होगा 16,999 रुपये, और 6GB रैम के साथ 128GB जिसकी प्राइस होगी 17,999 रुपये, और 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज भी आएगा जिसका प्राइस होगा 19,999 रुपये। तो दोस्तों, अगर आप, मैं यहीं पे आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप Redmi Note 10T 5G का फ़ोन खरीदने जा रहे हैं 6GB रैम के साथ 128GB, तो यहाँ आपको वो फ़ोन न लेकर के Redmi Note 11T 5G लेना चाहिए। इसमें क्या है कि 6GB रैम के साथ 128GB ये भी स्टोरेज आएगा, 17,000 का वो फ़ोन है, 1,000 रुपये इसमें बढ़ रहा है, और मात्र 1,000 रुपये में आपको प्रोसेसर हाईएस्ट मिलेगा, आपको जो चार्जिंग पॉइंट है वो फास्ट मिलेगा, क्योंकि Redmi Note 11T 5G में 33W का चार्जर होगा जो कि 60 मिनट में बैटरी को 100% चार्ज कर देगा। और बात कर लें इसके रैम के बाद, रैम भी आपको अपग्रेडेड मिलेगा, स्क्रीन भी अच्छी मिलेगी। तो दोस्तों ये, और कैमरा भी आपको सही मिलेगा, क्योंकि 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा, उसमें 8 MP का था कैमरा, उसमें 3 दिया गया था, हालांकि इसमें 2 दिया जा रहा है कैमरा, जो कि 50 MP का होगा और 8 MP का होगा मेन कैमरा। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि अगर आप Redmi Note 10T 5G खरीदने जा रहे हैं, तो उससे अच्छा आपको ये फ़ोन लेना चाहिए, क्योंकि ये फ़ोन उससे बेटर है, अब अपग्रेडेड है। अगर आप कहीं ये सोच रहे हैं कि 1,000 रुपये कम करके मैं वही फ़ोन ले लूँ, तो आप फिर भी अगर लेना चाह रहे हैं तो 6GB रैम के साथ 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ले लीजिए, 16,999 रुपये में ये भी मिलेगा और सारी चीज़ें आपको सेम मिलेगी इसके हार्डवेयर Redmi Note 11T 5G का। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आपको फोन कौन सा परचेज करें, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।